हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजू अय्यर। पोंगल ये साउथ इंडिया का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है और उस दिन पोंगल बनाकर भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये एक स्वीट डिश है, तो चलिए आज हम बनाएंगे आईएस किचन में पोंगल। पोंगल बनाने के लिए हमने इस तरह एक मेशर मूंग का दाल लिया है। एक कुकर हमने चढ़ा दिया है गैस पे और उसमें हमने डाला है एक टेबलस्पून घी। अब इस मूंग दाल को हम इसमें भून के लेंगे हल्का सा। ज़्यादा भूनना जरूरी नहीं है, 5-10 सेकेंड के लिए इसे हम भून के लेते हैं। जितना हमने यहाँ मूंग दाल लिया था उसका दुगना हम चावल लिया है। चावल को हम एक 20 मिनट सोक करके रखा था, उसके बाद पानी निकाल कर हमने यहाँ रखा है। अब इसमें डाल देते हैं चावल को। चावल और दाल दोनों को हम 5-10 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। इसे भूनने के बाद हमें चावल को और दाल को पकाना है। हम पकाएंगे दूध और पानी के मिश्रण को। अब हम 5 मेजरमेंट यहाँ पे लिक्विड लिया है इसे पकाने के लिए, उसमें हम 3 मेजरमेंट हम डाले हैं पानी और 2 मेजरमेंट हम डालेंगे दूध। ये मेजरमेंट जो हमने अभी बताया था 5 गुना, वो चावल के रिलेशन में है। जितना चावल हमने लिया था उसका 5 गुना हम यहाँ पे लिक्विड लिया है, तो उसमें हमने 2 मेजरमेंट दूध और 3 मेजरमेंट पानी लिया है। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं, वेट को चढ़ा देंगे और 5 सीटी आने तक हम इंतजार करेंगे। 5 सीटी के बाद गैस बंद करना है और इसे रेस्टिंग टाइम हम देंगे 20-25 मिनट। उसके बाद आगे का क्या करना है हम देखते हैं। पच्चीस मिनट रेस्टिंग टाइम में अभी करीब करीब 20 मिनट हो गया है। अभी हम इसके बीच एक पैन हमने चढ़ा दिया है गैस पे, आधा ग्लास पानी हमने उसमें डाला है और उसमें डालेंगे हम थोड़ा गुड़। जितना चावल हमने लिया था उसका दुगना हम यहाँ गुड़ लिया है। गुड़ को हम पहले इसमें अच्छी तरह मेल्ट करके लेते हैं। इसके बाद जब गुड़ उबलेगा तब हम इसे कुकर खोलकर उसमें हम मिलाएंगे। ज़्यादा हमें गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गुड़ जो हमने डाला था अच्छा तरह पिघल गया है। 2 मिनट इसे बॉईल करके लेते हैं, उसके बाद गैस बंद करके। अब गुड़ को हम बॉईल करने के बाद कुकर को खोलते हैं। एक बार इस मिश्रण को अच्छी तरह हम मैश करके लेते हैं। इसमें हम अभी
गुड़ जो हमने यहाँ बॉईल किया था उसे डालकर मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद गैस को हम मीडियम फ्लेम में रखते हैं। इस मिश्रण को एक 5 मिनट पकाते हैं। 5 मिनट से अब ये मिश्रण पक रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। अच्छी तरह इसे मिला लेते हैं। घी डालने के बाद एक 5 मिनट से ये पक रहा है। अब यहां आप देख सकते हैं कि जितना भी घी हमने डाला था वो पोंगल ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर स्वाद के लिए। इलायची डालने से बहुत बढ़िया खुशबू आती है पोंगल में। अच्छी तरह मिला लेते हैं। नाउ आवर पोंगल इज ऑलमोस्ट डन। अभी इसमें सिर्फ हम काजू फ्राई करके डालेंगे। आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम यहाँ एक तड़का पैन लिया है, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच घी और उसमें हम अभी डालेंगे कुछ कटी हुई काजू। इसे थोड़ा फ्राई करके लेते हैं और इसे हम पोंगल में मिला लेते हैं। काजू फ्राई हो गया है, अब हम पोंगल में इसे डाल देते हैं। एकदम स्वादिष्ट स्वीट पोंगल तैयार। संक्रांति या पोंगल स्पेशल, इसे आप जरूर बनाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट डिश है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एक साउथ इंडियन डेलिकेसी स्वीट पोंगल या चक्कर पोंगल हमने कैसा बनाया है। इसे आप भी जरूर बना के देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिश पसंद आया होगा। ये डिश पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार और एक स्वादिष्ट डिश लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।